नमस्कार, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर एमयू नायर ने सिनर्जिया कॉन्क्लेव 2023 में अलाइनिंग टेक्नोलॉजीज द फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स टॉपिक पर एक सेशन को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय साइबर स्पेस में विश्व की औसत तुलना में लगभग दोगुनी साइबर घटनाएं देखने को मिली हैं। नायर ने यह भी कहा कि भारतीय साइबर स्पेस में पिछले 6 महीनों के दौरान औसतन 2127 बार साइबर घटनाएं देखने को मिली, जो वैश्विक औसत से कई ज़्यादा अधिक है। टेक्नोलॉजी अपने आप में एक अलग साधन है, जिसका मकसद इंसानी जीवन को ज़्यादा सुविधाजनक बनाना है। जैसे जैसे इसका विस्तार होता है, वैसे वैसे इसके मल्टी लेवल बेनिफिट्स भी देश और दुनिया को मिलते रहे। मगर इसके साथ साथ ज़्यादातर तकनीक कुछ ऐसे लोगों के हाथ भी पहुंची जिन्होंने सिर्फ अवैध या गलत तरीके से ठगी का इसे जरिया बना लिया। उनका ऐसा करने से ये आम लोगों के सामने कई तरह के खतरे को पैदा करती है। आज ज़्यादातर लोग अपने बहुत सारे पेपर वर्क के साथ साथ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए डिजिटल तरीकों का उपयोग करते हैं, लेकिन अब साइबर क्राइम का दायरा इस कदर फैलता जा रहा है कि डिजिटल माध्यमों का यूज़ करने वाले लोगों के लिए हर वक्त सावधान रहना एक बहुत ही ज़रूरी काम बन चुका है। लेकिन भारत में इंटरनेट को ठगी और वेबसाइट या ईमेल हैक करने से लेकर ब्लैकमेलिंग तक का जरिया बना लिया गया है। भारत की साइबर दुनिया में सेंधमारी की घटनाओं में दोगुनी बढ़ोतरी की स्थिति तब देखी जा रही है जब सरकार से लेकर प्राइवेट सेक्टर तक सभी ओर से काम काजों के लिए डिजिटल यूज़ को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसे सुरक्षित बनाने में तमाम इंतज़ाम करने के दावे किए जाते रहे हैं, मगर हकीकत ये है कि सिर्फ आम लोगों से ही साइबर ठगी नहीं हो रही, बल्कि सुरक्षित सरकारी संस्थानों से लेकर कुछ बैंकों की वेबसाइट तक पर हमले हो चुके हैं। रोज़ न जाने कितने ही लोग ऐसी ठगी का शिकार होते हैं और कितनी ही रकम खातों से उड़ाई जाती है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 महीने में औसतन $1.54 अरब के लिए साइबर हमला किया गया। इन साइबर हमलों में 2022 के बाद से दोगुनी बढ़ोतरी हो गई। ये ऐसे मामले हैं जिनकी शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं, क्योंकि ऐसे तमाम सेंधमारी या ठगी की घटनाएं भी हैं जिसमें आम लोग इसका शिकार होने के बाद शिकायत तक दर्ज नहीं करा पाते। सवाल है कि अगर आम जनजीवन में सुविधा के लिए चलन में लाई गई कोई भी तकनीक इस कदर इनसिक्योर हो जाती है कि उसके इस्तेमाल को लेकर हर वक्त डर सताए या इसके लिए सावधान रहना पड़े, तो इसे एक आम व्यवस्था बनाने के प्रयासों को कैसे देखें। ऐसी खबरें भी आती रहती हैं कि कुछ खास ग्रुप आम लोगों की पर्सनल डिटेल को कहीं से हासिल करके उसकी खरीद बिक्री करता है और इस तरह से व्यक्ति की प्राइवेसी का भी हनन होता है। और इस तरह से व्यक्ति की प्राइवेसी का हनन करने से लेकर साइबर क्राइम की भूमिका रची जाती है। इसलिए ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भारत में अभी साइबर दुनिया की सुरक्षा की दीवारें पुख्ता नहीं है। दूसरे देशों में भी इंटरनेट के यूज़ को पूरी तरह से सेफ नहीं कहा जा सकता। जाहिर है कि तकनीक के इस सुविधाजनक दिखते संसार को साइबर ब्रीच से बचना दुनिया के तमाम देशों के सामने एक चुनौती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।